इस समय है हम M10 रोहिणी अकेडमी में और हमारे साथ ही काफ़ी ज़्यादा स्पेशल शख्सियत जुड़ चुके हैं जिन्होंने रणजी ट्रॉफी में राजस्थान को रिप्रेजेंट किया है, विजय हजारे, फिर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और काफ़ी रन भी बनाए हैं, 844 रन भी मैंने देखा और काफ़ी शानदार बल्लेबाजी, ईडन गार्डन्स में 100। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम बात करते हैं ना इंडिया में टैलेंट की, तो कहीं ना कहीं वो एक नाम है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं यश कोठारी, वेलकम टू द क्रिकेट इंजिन सर। थैंक यू फॉर हैविंग। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि यार आपके इस समय फॉर्म में भी आपने 2020 में डेब्यू किया और उसके बाद से आपने मुड़ के नहीं देखा, आप लगातार हार्डवर्क कर रहे हैं और हमने देखा है कि यार रणजी ट्रॉफी में चैलेंज है, जब 1.4 बिलियन की कंट्री में लोग क्रिकेट खेलते हैं तो मुश्किल हो रहा है, पर उसमें आपने आप रैंक्स में इतना ऊपर आए, तो आपकी जर्नी किस तरीके से स्टार्ट हुई, फैमिली कैसी थी? और एक होता है ना कि इंडिया में स्कूल वगैरह को लेकर सर होता है कि आप स्कूल पे ध्यान दें, क्रिकेट को सेकेंडरी रखें, तो वो सारे चैलेंजेस के बारे में आप ऑडियंस को कुछ बताएं। देखिए, मैंने 8th स्टैंडर्ड में क्रिकेट शुरू किया था और उस टाइम पे भी मैं टेनिस बॉल से खेलता था, तो मैं घर पे यही बता के जाता था कि मैं पार्क में ही खेलने जा रहा हूँ। मैं टाइम टूर्नामेंट खेलने लगा, फादर का सपोर्ट नहीं था स्टार्टिंग में, बट माई मदर वॉन्टेड मी टू प्ले, तो वहीं से ऐसा शुरू हुआ और वो टूर्नामेंट लकीली मेरा बहुत अच्छा गया, फर्स्ट टूर्नामेंट। तो उस टूर्नामेंट में जब थोड़ा सा न्यूज़ पेपर वगैरह में नाम आया तो फिर पेरेंट्स ने कहा कि लेट मी प्ले, तो वहाँ से मुझे 8th क्लास से मैंने क्रिकेट शुरू किया था और मैंने फर्स्ट टाइम वो ट्रॉफी खेली थी 12th स्टैंडर्ड में। तो 4 साल मैं अपने डिस्ट्रिक्ट भिलवाड़ा में प्रैक्टिस करता था, वहाँ से फिर 16 साल में अंडर 16 खेली और वहाँ से मैं राजस्थान। बिल्कुल सर, जैसे आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे भी हैं, तो उनसे हमारी जो बात हुई वो यही है, हर एक जो कहीं ना कहीं बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनके एक सवाल यही होते हैं कि यार हम नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाएं, क्योंकि अंडर 16 14 तक बच्चे जा रहे हैं, 19 तक जा रहे हैं, तो उसके बाद जो होती है रणजी ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली हज़ारे अलग अलग फॉर्मेट में, वहाँ पर टफ होता है और फिर वहाँ से IPL। तो आप अपनी अगर जर्नी से कुछ आपको फील हुआ कि ये चीज़ मैंने सबसे ज़्यादा काम किया और इससे मुझे एक रिजल्ट मिला जिससे आपने रणजी के लगातार इतने सीजन खेले अच्छा किया, तो आपको क्या आप व्यूअर्स को कहना चाहेंगे, यंगस्टर्स को जो देख रहे हैं? देखिए, मेरा मैसेज कह लो या मेरा एक्सपीरियंस कह लो वो यही है कि आप जिस लेवल पर हो अगर आप उसी लेवल की प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका आपको नेक्स्ट लेवल की प्रैक्टिस और प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। जो एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं उनका आंसर आपके पास होना चाहिए। वैसे ही क्रिकेट में भी होता है, जिस तरह की बॉल आने वाली है, जिस तरह का बैट्समैन आने वाला है, अगर आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं हो तो आपके चांसेस कम हो जाएंगे। तो मैंने भी ये चीज़ लेट अपने करियर में सीखी कि मुझे नेक्स्ट लेवल की प्रैक्टिस करनी है, इसलिए मैं अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर आके अभी दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अलग चैलेंज होते हैं, अलग तरह का विकेट होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि डिफरेंट लेवल की प्रैक्टिस करें, एक लेवल ऊपर की प्रैक्टिस करें और ये ना सोचें कि ये खेलना है या ये करना है, तो आसपास के लोग आपके बोलने लग जाएंगे कि यार ये डिजर्व रणजी ट्रॉफी या फिर ये डिजर्व IPL, तो आप उस साल IPL खेल ही जाओगे। आप ये ना सोचें कि यार खेलना है खेलना है खेलना, आप डिजर्विंग बने, सब चीज़ आपस में आई जाओ। सर, जैसे आपने कहा कि यार काफ़ी मुश्किल होता है, कई बार हमने देखा है कुछ प्लेयर ऐसे हैं, संजू सैमसंग आपने देखा काफ़ी परफॉर्मेंस करते हैं, काफ़ी ज़्यादा विवाद रहता है कि BCCI सेलेक्टर उन्हें मौका नहीं देते हैं, तो आपको उसको लेकर क्या कहना है? कई बार आपने भी परफॉर्मेंस की होगी, आपके हर एक प्लेयर की लाइफ में ऐसा समय आता है कि वो अननोटिस चली जाती है, तो जब इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है आसपास और आपने 100 बनाया तो सामने वाला 100 बना रहा है, आप डबल बना रहे हो तो कोई 250 बना रहा है, तो उसको लेकर एक प्लेयर को क्या माइंडसेट रखना चाहिए कि कंसिस्टेंटली वो चीज़ होती रहे, क्योंकि जब आप देखते हैं ना रन बनाने के बाद भी मौका नहीं मिल रहा है तो आपका जो मोटिवेशन लेवल है और परफॉर्मेंस है वो दोनों नीचे आता है। जी बिल्कुल, ये भी चीज़ मैं अब इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस करी है कि आप अपना टारगेट खेलने पे ना रखें, कि किसी लेवल से ना बांधें अपने आप को, आप अपना परफॉर्म करते रहें और आप अपने एक्सेलेंस को इम्प्रूव करें। अगर आप ये सोचोगे कि अभी रणजी ट्रॉफी खेलनी है रणजी खेलनी है और अगर आप नहीं खेल पाते हो तो आप उस सलेक्शन के दिन के बाद कम से कम 2-3 महीने आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जबकि टारगेट ये नहीं है। टारगेट ये है कि जब तक क्रिकेट खेलने के लिए फिट है इंप्रूवमेंट करते रहेंगे, हर दिन रन बनाते रहेंगे, वो सारे रन जुड़ते ही हैं कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं होता है कि कहीं सेंचुरी बनाई हुई है तो वो अनोटिस हो रही है, वो नोटिस हुई है बट उसका आपको रिजल्ट नहीं मिला, तो वो धीरे 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 होना ही है एक दिन। तो आप ये मत सोचें कि बस इस एज ग्रुप में यहाँ खेल लूँगा, यहाँ से यहाँ खेल लूँगा, आप बस अपना काम करते रहें, आप अपनी मेहनत करते रहें, साइड बाय साइड ये सब चीज़ें मिलती जाएंगी। सर, एक बड़ा सवाल आता है लोगों के, जो हमसे भी यंगस्टर मिलते हैं वो पूछते हैं कि दिल्ली में इतने टूर्नामेंट्स होते हैं अंडर 14 16 19, लेकिन जो ये टूर्नामेंट है और रणजी ट्रॉफी और जो BCCI लेवल पे टूर्नामेंट है उनमें कंपटीशन में फ़र्क क्या है, कि आपने जो चेंज फील किया हो यार वहाँ पे 120-125 का पेस था, यहाँ पे 135-140 तक बात जा रही है, या फिर कुछ और भी आपको बताओ? देखिए, पेस का इतना इशू नहीं है, अगर मैं आप लोगों को फ्रेंकली बताऊँ तो रणजी ट्रॉफी जो टेस्ट क्रिकेट है इतना पेस बॉलर्स नहीं आते, पेस का कुछ भी नहीं है, सारा खेल फिटनेस एंड माइंड सेट का है, थोड़ा सा प्रेशर सिचुएशन को अच्छा हैंडल करते हैं प्लेयर, और जो प्लेयर मेंटली थोड़ा सा वीक है उसको बॉडी प्रेशर बन जाएगा, क्योंकि अगर हम 10 जने एक माइंडसेट के प्लेयर हैं तो हम 11वें को इजीली हमारे बातों में लेके या फिर हमारे एक्शंस के थ्रू हम उसको नीचे दिखा कर सकते हैं, जैसा कि हम बैटिंग और फील्डिंग में करते हैं। तो फिर प्रेशर हैंडल करने की बात होती है, अगर मैं रणजी खेल रहा हूँ तो मैं शायद थोड़ा सा प्रेशर अच्छा हैंडल कर रहा हूँ अंडर 19 प्लेयर से, और जो अभी ऊपर विराट कोहली खेल रहा है वो मेरे से उस लेवल पर अच्छा है प्रेशर हैंडल कर रहा है, तो इट्स ऑल अबाउट प्रेशर हैंडलिंग।
यार हम आपका ज्यादा टाइम भी नहीं लेना चाहेंगे, आपने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया, कुछ छोटे सवाल हैं, आप सीधा सीधा आप आंसर दें अगर आप कंफर्टेबल हैं, नहीं तो मना भी कर सकते हैं। जब आपने स्टार्ट किया तो हम देखते हैं कि बच्चे टीवी पे देखते हैं प्लेयर्स को, सचिन तेंदुलकर को, विराट कोहली को, एमएस धोनी को, तो आपकी जो इंस्पिरेशन है, रोल मॉडल हम कहते हैं, वो कौन था, आप कहां से आपने सोचा कि इसकी तरह खेलना है? देखिए मुझे क्रिकेट खेलना नहीं पसंद था क्योंकि मुझे धूप में आना ही नहीं पसंद है अभी भी, बट माय मदर वांटेड मी टू प्ले, तो उनको उस टाइम अंडर 19 वर्ल्ड कप आया था तो उनको विराट कोहली पसंद था, तो शी टोल्ड मी कि शी वांट मी टू सी इन द टीवी लाइक विराट कोहली, सो सबसे पहले मैं विराट कोहली को। और एक आखिरी सवाल, आपकी फेवरेट आईपीएल फ्रेंचाइज अगर आपको मौका मिले, क्योंकि हमें पता आप काफी क्लोज है कहीं ना कहीं, जो बीसीसीआई के सिलेक्टर्स का डोर है आप खटका रहे हैं और आईपीएल टीम्स को भी नोटिस है क्योंकि स्काउट्स आते हैं, हमें सबको पता है, तो आपकी फेवरेट आईपीएल फ्रेंचाइज कौन सी है? सर आपने विराट कोहली के बारे में बात की कि विराट कोहली को आपकी मदद ने देखा और पूरा इंडिया कहीं ना कहीं उनसे इंस्पिरेशन लेता है, फिटनेस का लेवल जैसे आपने फिटनेस माइंडसेट पर बात की, विराट भी काफी बात करते हैं, तो विराट कोहली से एक यंगस्टर क्या सीख सकता है, खासकर आपने कुछ बैटिंग में सीखा हो या फिर माइंडसेट से भी? नहीं जी, मैंने तो सारी चीज़ें उनसे सीखी है, हालांकि मेरा मिलना नहीं, बट उनसे जो सबसे ज़्यादा सीखने की चीज़ है कि जब आप देखें जब टीम नीचे लगी होती है तब वो हमेशा ऐसा परफॉर्म करती रहता है, तो वही प्लेयर को हीरो बनाती है, प्लेयर सब हैं 11 होते हैं बट हीरो एक ही बनता है, तो मैंने ये चीज़ सीखी है कि वो हमेशा ऐसी सिचुएशन ढूंढते हैं जहाँ पे कोई ना कर पा रहा और वो करके दिखाता है, तो वो चीज़ मैंने अपनी लाइफ में सीखी है, कहीं भी हीरो बनने का मौका है तो उसको चैलेंज को एक्सेप्ट करना है ना कि उसको हारना। यश कोटारी, हम आपको बहुत बहुत थैंक यू करते हैं और आपके फ्यूचर के लिए भी आपको काफ़ी अच्छी विशेष भेजते हैं, आप हमें जल्दी आईपीएल और इंडिया खेलते हुए भी नजर आए, और आप सब लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।